नमस्ते दोस्तों, मैं सुखचैन सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ एंड्रॉइड वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 न्यू गेम्स फॉर एंड्रॉइड के बारे में। कुछ गेम्स ऑनलाइन होंगे और साथ में कुछ ऑफलाइन भी होंगे, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है जब से बैटल रॉयल का कंसेप्ट चला है तो काफ़ी नए गेम्स हैं वो काफ़ी कम लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि सब लोग बैटल रॉयल गेम्स खेलते रहते हैं या फिर मोस्टली मल्टीप्लेयर प्लेयर वर्सेज प्लेयर वाले गेम ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, तो इसलिए काफ़ी कंपनीज हैं वो गेम कम लॉन्च कर रही है। लेकिन फिर भी कुछ नए अच्छे टाइटल लॉन्च हुए हैं जो कि आपको ज़रूर खेलने चाहिए और वो आपको गेम पसंद भी आएंगे। और अगर एक भी गेम पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो का लाइक गेम होने वाला है 5000 लाइक। और साथ में अगर आप चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हो, इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेट करना ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और भी इसी के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा सबसे पहला गेम आता है उस गेम का नाम है एलियन आइसोलेशन। गेम का जो साइज रहने वाला है वो 3.2 GB के आसपास रहेगा। वैसे आप सभी को पता था गेम कब से अनाउंस हो चुका था, लेकिन फाइनली कल 16 तारीख को ये वाला गेम प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्च हो चुका है। हालांकि हमने सोचा था फ्री होगा, लेकिन इस गेम का जो प्राइस है वो 249 रुपीज़ के आसपास रहेगा, जो कि मेरे हिसाब से एक डिसेंट प्राइस है गेम को देखते हुए, क्योंकि वरना क्या होता है गेम इतने खास नहीं होते लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे तो गेम इतना ज़बरदस्त है, ऑलरेडी आप यहाँ पे इसका गेम प्ले चेकआउट करो जिसमें आपको हाई क्वालिटी कटसीन तो देखने को मिलेंगी, साथ में जो इवन गेम प्ले है भाई वो कितना हाई क्वालिटी आप देख सकते हो। यहाँ पे ग्राफिक्स क्वालिटी और इवन जो कंट्रोल्स हैं वो एकदम स्मूथ है, काफ़ी मस्त गेम बनाया है। जिनको स्टोरी मोड कैंपेन वाले गेम पसंद आते हैं तो उनको तो ये गेम काफ़ी पसंद आएगा, और जिनको सर्वाइवल गेम पसंद आते हैं उनको भी ये गेम पसंद आएगा, क्योंकि इसमें क्राफ्टिंग भी करने को मिलेगी, चीज़ें सॉल्व कर रहे हो उस हिसाब से, सर्वाइव कर रहे हो, फाइट हो रही है, तो नो डाउट गेम काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। जिन लोगों ने इसका पीसी वर्जन खेला है तो आप मेरे को बताओ कि आपको ये पीसी पोर्ट कैसा लगा जो कि मोबाइल के लिए बनाया गया। मेरे को तो काफ़ी पसंद आया। बाकी अगर आप इस गेम को खेल रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा दूसरा गेम आता है उस गेम का नाम है टच ग्राइंड स्कूटर। गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा। गेम का जो साइज है वो 550 MB के आसपास रहेगा। वैसे ये गेम नॉर्मली आप देख के आइडिया लगा सकते हो गेम प्ले कैसा होने वाला है। मैं ट्रेलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बहुत सारे ट्रैक्स दिखा सकूँ जिन पे आप यहाँ पे खेलोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रैक्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं। वहाँ पे स्कूटर चलाने का आपको काफ़ी मज़ा आएगा, और इतना ही नहीं इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, गियर्स वगैरह बदल सकते हो, तो जितना काफ़ी हद तक कस्टमाइज इसको कर सकते हो। और इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के गेम्स मोड देखने को मिलते हैं, फ्री स्टाइल भी देखने को मिलेगा, प्लेयर वर्सेज प्लेयर वाला भी रहेगा क्योंकि ऑनलाइन गेम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस हिसाब से आपको अलग अलग लोकेशन सिटी भी देखने को मिलेंगी यहाँ पे आप स्कूटर चलाओगे, तो ट्रैक्स भी काफ़ी ज़बरदस्त रखे हैं, काफ़ी टफ है। वैसे तो मेरे को गेम प्ले देख के लगा था कि वन फिंगर कंट्रोल वाला गेम होगा, लेकिन इसमें आपको 2 फिंगर यूज़ करने पड़ेंगे जो कि इस गेम को और ज़्यादा टफ बना देता है, जो कि काफ़ी मुश्किल लगता है। बाकी अगर आप खेलोगे तो आप समझ जाओगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको ऐसे रनिंग वाले गेम थोड़े पसंद आते हैं, ट्रैक्स को पार करना काफ़ी टफ होते हैं, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा तीसरा गेम आता है उस गेम का नाम है फाइनल फैंटसी द फर्स्ट सोल्जर। आपको ऑलरेडी पता होगा इस गेम के बारे में, बैटल रॉयल गेम फाइनली ये वाला ग्लोबली लॉन्च हो चुका था फाइनल फैंटसी का। इसका साइज 1.3 GB के आसपास रहेगा, तो इस हिसाब से गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी रखी गई है साइज के हिसाब से, और गेम प्ले भी काफ़ी फन है क्योंकि इसमें सिर्फ गन गेम तो रहेगा ही बैटल रॉयल वाला कंसेप्ट, लेकिन साथ में आप देख सकते हो काफ़ी सारी एबिलिटीज़ हैं जो कि इस गेम को खास बना देती हैं। आप अलग अलग तरह की पावर यूज़ कर रहे हो, शील्ड यूज़ कर रहे हो, फ्लाई वाला यूज़ कर रहे हो पावर्स, ऐसे बहुत सारे पावर्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं भाई वो तो अलग ही लेवल के हैं, उनको चलाने में एक अलग ही मज़ा आएगा। तो जिनको बैटल रॉयल कंसेप्ट पसंद है सेम वही कंसेप्ट रहने वाला है पबजी वाला, लेकिन थोड़े बहुत मॉन्स्टर्स फाइट भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं जो कि इस गेम को काफ़ी खास बना देते हैं। तो अगर आपको बैटल रॉयल कंसेप्ट वाले गेम खेलना पसंद है तो आप फाइनल फैंटेसी को ट्राई कर सकते हो, और जिन्होंने ऑलरेडी खेला इस गेम को वो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आपको ये गेम कैसा लगा। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा फोर्थ नंबर पर गेम आता है वह रॉकेट लीग साइडस्वाइप। गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा। गेम का जो साइज है वो 700 MB के आसपास रहेगा, और यहाँ पे रॉकेट लीग के बारे में शायद मोस्टली लोग जानते होंगे क्योंकि ये भी टाइटल पीसी के ऊपर था। इसका मोबाइल पोर्ट किया गया, हालांकि वो थोड़ा अलग बनाया गया, पीसी के ऊपर आपको अलग गेम प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने कंसेप्ट काफ़ी अच्छा रखा है। 1v1 भी कर सकते हो, साथ में 2v2 भी कर सकते हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट मैच कर सकते हो। सिंपली आपको गोल करना होता है, कार से सिंपल से कंट्रोल सीखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा भाई जो फिर भी गेम में काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि ऑनलाइन प्लेयर के साथ कम्पीट कर रहे हो तो उस चीज़ में एक अलग ही मज़ा रहता है, तो इसमें आपको इस चीज़ का काफ़ी मज़ा आने वाला है। बाकी रॉकेट लीग जो पीसी वाला था वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मोबाइल के हिसाब से देखा जाए तो वो इतना कंफर्ट नहीं होता खेलने के लिए जैसे पीसी के ऊपर था। तो इन्होंने जो आमने सामने फाइट वाला कंसेप्ट रखा है वो मेरे को काफ़ी पसंद आया। बाकी रॉकेट लीग ऑलरेडी काफ़ी लोग खेल रहे होंगे क्योंकि लॉन्च हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। बाकी अगर आप खेल रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि दोस्तों के साथ खेलो या फिर ऑनलाइन कंप्लीट करते हो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा फिफ्थ नंबर पर गेम आता है वो है फोरलाइट 84। गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा। गेम का जो साइज है वो 1 GB रहेगा भाई अभी तक का मेरे हिसाब से। वैसे कि हालांकि काफ़ी लोगों ने कम ध्यान दिया होगा, लेकिन ये वाला बैटल रॉयल गेम भाई सच में इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा होने वाला है। एक तो आपको फोर्टनाइट का
का एक्सपीरियंस थोड़ा वो देखने को जरूर मिलेगा इसके ग्राफिक स्टाइल से, लेकिन भाई गेम प्ले नो डाउट काफ़ी फन है। जो इसमें गन्स है वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की दिखाई गई है, और इवन यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जेट पैक यूज़ कर रहा हूँ जंप के लिए, बूस्ट कर रहे हो आप डैश मार के एनिमी से बच सकते हो एकदम अगर सामने आता है, और यहाँ पे जो गाड़ियाँ दिखाई गई हैं वो काफ़ी एडवांस दिखाई गई हैं। तो भाई गेम प्ले मैंने जब इसका कल खेला ना तो मेरे को सच में लगा कि काफ़ी कम लोगों ने ध्यान दिया इस गेम के ऊपर जब आया था, इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, अभी भी अर्ली एक्सेस में चल रहा है, लेकिन भाई नो डाउट गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, इस गेम में भी अच्छा फ्यूचर रहेगा। अगर आप ऑलरेडी इस गेम को खेल रहे हो तो आप जानते होंगे कि भाई इस गेम में आपको कितना मज़ा आ रहा है। जो गन एडवांस रखी गई है वो तो मेरे को सबसे ज़्यादा जबरदस्त लगी, और इसमें जो गाड़ियाँ तो हैं वो तो भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। साथ में ऑनलाइन प्लेयर्स आ रहे हैं, फाइट कर रहे हो, बैटल रॉयल वाला कंसेप्ट रहेगा, कंट्रोल्स में कोई दिक्कत नहीं है, और गेम अर्ली एक्सेस में लेकिन फिर भी मेरे को गेम में कोई ऐसा लैग वाला इशू है वो देखने को नहीं मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइट चल रही है प्लेयर्स के साथ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो मेरे को तो बैटल रॉयल वाला गेम काफ़ी पसंद आया, बाकी काफ़ी लोग खेल भी रहे होंगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने इस गेम को ट्राई किया और आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताना। और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मेरे को पता है टॉप 5 का वीडियो मोस्टली मैं टॉप 10 का डालता हूँ, लेकिन बीच में आपको टॉप 5 के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, टॉप 10 तो चलता ही रहेगा, लेकिन साथ में मैं थोड़ी जल्दी वीडियोस ला सकूं, नई गेम्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी दे सकूं, तो इसलिए टॉप 5 के वीडियोस भी आजकल आपको देखने को मिलेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो का लाइक गेम तो आपको पता ही है, जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।